पहली बार है जब हम राइड में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं. एग्जैक्टली, सो इट वाज रियली ऑसम, अमेजिंग. Awesome, तो थैंक यू. पूजा मैम, आज का इवेंट कैसा लगा आपको? अमेजिंग, अमेजिंग. ये तो टी शर्ट की लालच थी जो हम यहाँ आ गए, लेकिन बड़ा मजा आया. मजा आया. अब हम खुले हम यूपी में जाके पकड़ ले सकते हैं. और तुम्हारे पास बहुत सारे फोन कॉल आने वाले हैं, नंबर चेंज मत कर लेना. फ्रॉड कॉल आया था, मैंने इसको फोन किया था. इवेंट कैसा रहा मैम? ऑसम. तो जी, नई राइड स्टार्ट करते हुए आज है BBT जर्सी का रिवील टाइम और सारी टीम खड़ी है. अरे ये खड़ा अपना काफिला और ये है सारी हमारी टीम और टीम से इंट्रोड्यूस कराएंगे. और बाजी सुन, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अंदर देखा वो गाड़ी बड़ी तड़ी हुई थी. सत श्रीकाल, राम राम, हर हर महादेव सबको. तो BBT के ग्रुप के साथ आप लोगों का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद है. थैंक यू मैम. आज भाजी ठीक है भाजी, सर आप 50 से ऊपर तो ऐसे नहीं चलते. ठीक है, चलते हैं फिर. बाकी की वार्तालाप और बातें अपना वहीं जाके करेंगे. राम Storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And फाइनली पहुंच गए हैं कर्नाटक भवन. सुमित पाजी और राहुल बाकी काफिल अपना ये खड़ा है. सभी टीम मेंबर्स आ गए हैं. विवेक सर कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड. बढ़िया सर, ठीक हो? हाँ. कितने पहली बार जी? दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज BBT की राइडिंग जर्सी की अनरिवीलिंग के लिए. आप लोगों ने इतना योगदान दिया, उसका हृदय से स्वागत है आपका. ग्रुप के बनने के टाइम की कुछ आपको एक दो चीजें बताता हूँ, किस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या करके ग्रुप खड़ा किया है, जिसमें हमारा योगदान मिस्टर बादल सर और अमन सर हैं. जब ग्रुप बनाया गया था तो एक एक राइडर को ऐड करने के लिए हम तीनों ने एक सेक्टर 9 का एक ग्राउंड था, वहाँ बैठ के सबको पार्क के अंदर हमने कॉलिंग करी है, सबको वीडियो कॉल पे इनवाइट किया था अपनी फर्स्ट राइडर्स मीट के लिए, जो कि हमारी कोविड के टाइम के दौरान हुई थी. तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ उसमें भी हमारे पास आई थी. उस टाइम अमन भाई थे, बादल सर थे और जो हमारे साथ बहुत पुराने 2015 विवेक सर हैं,
डॉक्टर राजन है, राणा पाजी है, बांगा भाई है, राज सर है, ऋषि त्यागी सर है, आते नहीं हो पर वो 15 से ये सही था। कि हमें दो पुत्र हैं हमारे ग्रुप में। We have two both senior, एक फादर सर और एक पादी। क्या ये दोनों पुत्र जो हैं ये बीबीटी को गाइड करते हैं। बादल सर का भी जवान है, बादल जी तो जवान है। सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज है, पाली है जिनका हाथ ऐसे रहता है, मतलब ये समझो मैं हूँ, तुम किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एंड आई हैव एक्सपीरियंस, कहीं भी जाते हैं, मतलब कि अगर मुझे घर से मेरे बच्चे कहते हैं किसके साथ जा रहे हैं, पाजी के साथ, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। और जो हमारे दूसरे बुद्ध हैं बादल सर, सर उनको लाफिंग बुद्धा बोलते हैं। आप कोई भी आदमी कितना भी खुसट से खुसट आदमी हो, वो दो मिनट इनके साथ खड़ा हो जाएगा, हंस जाएगा, पक्का पक्का हंसेगा। लाफिंग बुद्धा बादल भाई की जय हो। ये सब आपका प्यार है, हम जानते हो, और ये सब आपका प्यार है और कुछ नहीं है। बाकी राइड तो चलती रहती है, कोई कहीं करता है, कोई कहीं करता है, जहाँ मन करता है वहीं इंसान जाता है। लेकिन ये प्यार है जो अभी नजर आ रहा है टेबल पे आपके सबके सामने है, और ये प्यार बना रहे, बस यही हुआ है हमारा। बाबा जी एक राइड बनाई है 3 दिन की, जिम कॉर्बेट वाली, की कॉर्बेट की राइड 1 और 7 में हर हालत में बन जा रही थी। ठीक है सर, मैं एक काम अभी कर रहा हूं, मैं भाई साहब अभी एक काम कर रहे हैं, यही बात, यही राइड, लेट्स राइड 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 कॉर्बेट वाली अभी बोल रहे हैं। अंदर बंद कर रहा हूं जी, राजन 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 जी, अगले महीने आवाज दी है। अभी मैम ने कहा कि अगर बीबीटी की राइड है तो ध्यान रखना ही रखना, मगर बीबीटी की बाहर से अगर राइड पे जा रहे हैं तब भी कॉल करके पूछना कि कहाँ पे हो, ठीक हो या नहीं हो, ये सबसे बड़ी बात है। और फीमेल राइडर्स, यहाँ एक कपल का ग्रुप में चलना, और वो भी फेथफुली अपने एडमिन्स या अपने ग्रुप में जितने भी ब्रदर ग्रुप हैं उनके साथ उन पर फेथ रख के चलना बहुत बड़ी बात है। इस फेथ को कमाना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। हम अगर आपस में आज इकट्ठे हुए हैं तो ये हमारा ब्रदरहुड है, हमारा आपसी प्यार है, इसकी वजह से हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये चाहूँगा ये प्यार हमेशा सदा बना रहे, ताकि हम इकट्ठे ही राइड करते रहें। आप कहीं भी जाओ, आपको कॉल करने का सिर्फ रीज़न यही रहता है, हमारे जो अपने ग्रुप के हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेफ हैं, उनको कहीं कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही है तो हमारा जो लिंक है उस जगह पे, हम उनको उस जगह पे सपोर्ट कर सकें। तो बीबीटी ग्रुप जो हमारा है, हम इसको और बढ़ाएंगे, इसमें और मेम्बर्स इकट्ठा करेंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मिल के चलें और बढ़िया राइड्स करें। थैंक यू। हमारा आज से नहीं, जब से हमने 2016 लद्दाख राइड करी थी उसके बाद हमने एक ही एम बनाया था कि हम लोग जो भी राइड करेंगे वो करेंगे लीस्ट एक्सपेंस राइड। और जैसे अब कोई मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका कहीं किसी और जगह पे कोई नुकसान हो। ऐसा अक्सर होता है कि लोग पैकेजेस बनाते हैं, पैकेजेस में जाते हैं, हालांकि जाए वो चॉइस है अपनी, बट जहाँ पे मनी कमाने वाली बात है हम वो ऐसा नहीं करते। हम जो भी लीस्ट एक्सपेंस आएगा जहाँ पे भी वो ही राइड प्रेफर करते हैं, जितनी बेस्ट टू बेस्ट हो सके अपने। आज का खर्चा भी पाजी उठा रहे हैं।
देखो कमाने के लिए हर कोई अपने से इनकम सोर्सेज रखते चल रहे हैं। राइडिंग हम कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा काम है मेडिटेशन। राइडिंग से बेस्ट मेडिटेशन कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो जितना कम से कम हमारा खर्चा होगा, क्योंकि जहाँ ग्रुप जाएगा आम बात है कि वहाँ पे खर्चा कम होगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो वो डिस्काउंट ऐसा एडमिट कोई खाए, वो डिस्काउंट अपने राइडर्स भाई में क्यों ना बढ़े, उसका फायदा हम सब मिला है ना। तो जहाँ एक पैकेज कम उसमें मिले, हमारा खर्चा ज़्यादा ना हो, हमारा एंजॉयमेंट पूरा हो, ये पूरा रहना चाहिए हमारा। सर यही होता है ना, जब भी जिसमें भी हमारे साथ राइड किया उनको मालूम है 2 दिन के लिए जाए, 10 दिन के लिए जाए, सब टेबल से। आई जस्ट वॉन्ट टू एड समथिंग, बहुत कुछ सबने बोला है विच इज वेरी मच ट्रू। सो फौज में रहते हम हर 2 साल बाद कहीं ना कहीं चले जाते हैं, ये शहर छोड़ के दूसरे शहर, तो नेवर एवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइड राइडिंग सिंस 95, बट आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइड विद अ ग्रुप। दिस वॉज व्हेन आई केम टू दिल्ली, आई वॉज लिटिल हेजिटेंट टू ज्वाइन एनी ग्रुप। में राइड में फाजी हम मिले थे, वो दैट इट वॉज कारगिल राइड वेयर आई मेट अमन ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट ग्रुप बीबीटी ग्रुप वेयर दे मेड मी सो कम्फर्टेबल एंड आई वॉज लाइक आई वेंट फॉर फर्स्ट जंस्कार राइड विद देम एंड आफ्टर दैट जंस्कार राइड आई वॉज सो कम्फर्टेबल। आई सेड आई एम गोइंग टू जॉइन दिस ग्रुप एंड एवरी टाइम आई विल राइड विद देम एंड माय व्हेन आई गो ऑन राइड विद दिस ग्रुप माय फैमिली इज सो रिलैक्स्ड। पता है कि कहीं पे भी है पैरी पाजी इज देयर, बादल जी इज देयर, सो नथिंग इज गोइंग टू, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में होंगी तो माय हस्बैंड दे ही हार्डली मेट पैरी पाजी एंड बादल जी, बट ही हैज सो कॉन्फिडेंस के ये बीबीटी ग्रुप के साथ गई है, तो शी इज सेफ एंड सिक्योर। एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, एक और जो हमारा प्यारा प्यारा आदमी है ये निशान, ही इज ऑलवेज देयर। आई टेल यू डू रिमेंबर दैट नाइट उदयपुर से हमारे भाई साहब, इन्होंने जो काम किया था ना, आई डोंट थिंक एनीबॉडी वाज पार्ट ऑफ बीबीटी, माय नेम यस बीबीटी ग्रुप, बीबीटी ग्रुप नेम पता है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस में पता हूं हमारी मेहनत को, और उस मेहनत में सबसे बड़ा योगदान हमारे मेट्योर बाबा गौरव पांडा जी का है। आप लोगों ने ब्लाइंडली हमारे टी शर्ट के लिए पैसा दिया विदाउट सीइंग एनीथिंग, ना कलर देखा है आज तक, ना डिजाइन देखा है, कुछ भी नहीं देखा। आपको तो देखा है ना। तो बीबीटी से कैसे जुड़े सर? मैं बीबीटी से जुड़ा था जी हेमकुंड साहब की राइड पे। कैसा लगा आपको हमारा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं हेमकुंड साहब की राइड से आपसे जुड़ा था, और राइड करते हुए आज कम से कम 3-4 राइड्स तो बीबीटी के साथ हो ही गई है। राइड तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, और आज बीबीटी से राइड करके बहुत मज़ा आता है। आज टी शर्ट रिवीलिंग के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, थैंक यू। बर्थडे इवेंट की तरफ साथ हवा मांगे चलेंगे जी।
सर चुप रहे हैं, सर चुप रहे हैं। असली सरप्राइज तो यही है, सरप्राइज तो सरप्राइज। ऐसे बादल भाई कहाँ हैं सर? बादल भाई आ जाओ। अभी आप पहन के दिखाओ। पहले पीछे नहीं तेरी निकली। ये आपने करावा कितना दिन? आजा दूल्हे राजा। ये आजा आजा इधर आजा। पर हमारा बैंड लगभग जा नहीं पाएगा।
मेरे साथ बहुत राइड करी है और राइड के दौरान कई बातें हो भी जाती हैं, बट हम सब वो वहाँ छोड़ के आ जाते हैं और आगे की राइड के लिए प्लान करते हैं। तो हमेशा नोकझोंक होती है बट फिर भी राइड ज्वाइन करते हैं। हरी सिंह कराकोटी जी, ये भी तो उत्तराखंड से हैं। सीनियर राइडर अमन फोटो अच्छा इधर है। अमन हमारे उल्टा बांगा जी नेक्स्ट हमारे राइडर कम डॉक्टर कम ड्रैग रेस राइडर। तो मैं नहीं आ पाया हूँ बट अब सर ने हमारे को स्पेशली सच पास की राइड के लिए भी ज्वाइन किया है। लास्ट ग्रेटर नोएडा की राइड में भी आए थे तो कॉन्टिन्यूसली राइड में हमारे साथ आ रहे हैं। कोई राइड पे हो इन्होंने आना ही आना है। इनको हम ना भी बुलाएं तब भी पहुंच जाएंगे। इनको हमने बोल दिया हमारा बैग तैयार है आप आ जाओ ये फट आ जाएंगे बगैर पूछे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ठीक है जी, ऑलवेज रेडी फॉर राइड। पूरा हिंदुस्तान घुमा दो कहीं भी ले जाओ। साबिर भाई और आगरा में ही दिल जीत लिया इन्होंने सबका। तो औसम पुलिस के नाम से जानते हैं इनको। ये यूपी पुलिस में है वहाँ अपनी ड्यूटी निभाते हैं मेट्रो स्टेशन पे। यूट्यूबर भी है, मल्टी टैलेंटेड है। बैनर बनवा लो इनसे, कोई भी रील बनवा लो इनसे, ये सब बीबीटी का कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है। और अभी नई बाइक ली है इन्होंने। यस कांग्रेचुलेशंस भाई। ये बात पता लगी ना यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में कुछ हो गए तो हम छोड़े पाजी को मेटियोर बाबा के नाम से जानते हैं। और पाजी भी मेरे साथ बहुत लंबे टाइम से तो नहीं है इनफैक्ट, बट कुछ समय में ही बहुत क्लोज हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था टी शर्ट्स की डिज़ाइनिंग में सब चीज़ों में पाजी का हम दोनों की मेहनत बहुत रही है। और बाकी का फीडबैक जो है वो आप लोगों से चाहिए। तो मेटियोर बाबा जी पाजी कुछ कहना चाह रहे थे आप? पाजी मैं तो यही कह रहा हूँ सीनियर बंदा है तो आगे आओ आपसे नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। तो अभी जितना इंटरेक्शन हुआ है बस मेरा उतना ही है। बाकी मेरे ख्याल से सीनियर कोई है तो पेंटिंग ना छुपा पेंटिंग ना छुपा पेंटिंग करके बड़े जिंदगी में अगर कभी कोई एक बड़ा ऑनर मुझे मिला हो दैट इज टू स्पीक अबाउट पैरी पाजी। मतलब कि पैरी पाजी का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि भाई उसको स्क्रीन से लगा पैरी की जगह पैरी को पैरी को बुला रहे हो टी शर्ट।
महीने में एक बार एक अच्छी ब्रेकफास्ट राइड करेंगे, नॉट के हर हफ्ते हम राइड करेंगे और क्वालिटी राइड करेंगे। और ब्रेकफास्ट राइड में हम सिर्फ अपनी राइडिंग रिलेटेड डिस्कशंस ही करेंगे, हमारे को किसी के पर्सनल मैटर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है जी। वहाँ पे जिसको जो क्वेश्चन हो, जो पूछना हो, बाइक से रिलेटेड हो, कैसा भी हो, हम ब्रेकफास्ट राइड हर महीने के आखिरी संडे पे करेंगे। बाकी जो लॉन्ग राइड्स आती रहेंगी वो हमेशा ग्रुप में आपको डिस्कस होती रहेंगी, ठीक है जी। आप सब अपने बहुत देर होगी। तो जी टी शर्ट रिवील तो कर दी गई है, टी शर्ट का अभी फीडबैक लेना है। अभी हमारी जो टीम है वो ब्रेकफास्ट कर रही है, चलते हैं सबके पास लेते हैं उनसे। जी जो बीबीटी की अभी ये टी शर्ट हमने आज रिवील की है पूरी बीबीटी टीम ने, तो कैसे लगा इसके बारे में बताएंगे कुछ? टी शर्ट कैसी है? बहुत अच्छा था ये, मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रही थी, लेकिन जब मैं सबको देख रहा हूँ, इसकी डिजाइनिंग देखता हूँ तो एकदम ऑसम। आपकी तरह आपके ऑसम, पुलिस की तरह ऑसम है ये, एकदम ऑसम जस्ट लाइक यू। ओके बहुत अच्छा फैब्रिक है जी, बताइए। सिंपल एज ऑसम एज यू। कपड़ा बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, थॉट बहुत अच्छा है, पीछे नाम के साथ ब्लड ग्रुप मेंशन है। व्हाट एल्स इज नीडेड यार, ऑसम। सरा सा झलक नहीं देखा हम लोगों ने, पता नहीं क्या बना के दे रहे। तो मैंने सरप्राइज कैसे लगे आपको? सरप्राइज शानदार, ऑसम यार सरप्राइज। टी-शर्ट मस्त है। तो सर टी शर्ट के बारे में कुछ बताइए और बीबीटी से। टी शर्ट तो बस कैसा रहा आज का? टी शर्ट की तो कोई वो ही नहीं है यार, उसका तो मतलब उसे कुछ कहना टी शर्ट के बारे में तो सूरज को दिया दिखाना हो जाएगा। टी शर्ट तो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। और कर्नाटक भवन में आए, कर्नाटक भवन बहुत बढ़िया है, हमने कॉफ़ी पिए तो कॉफ़ी तो भाई मस्त है, जैसी चाहिए। और यहाँ का जो प्लेटर आपने यूज़ किया डोसा, को क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? मैंने वो नहीं किया। तो पाजी टी शर्ट कैसी रही आपकी? बहुत एक नंबर है टी शर्ट, डिज़ाइन वाइन सब कुछ एक नंबर, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी ऊपर तक क्वालिटी है और एक नंबर हो जाएगा। एक सेकंड आप घूमेंगे, आपका मैं नाम इसमें शो करना चाहता हूँ। सुन भाई। हाँ जी। ओके लोकेशन कैसी लगी? लोकेशन बहुत बढ़िया है, फूड एक नंबर, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो टी शर्ट हो चाहे फूड हो। वाओ एक नंबर, बहुत बढ़िया। ठीक है भाजी, मिलते हैं जल्दी फिर किसी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाजी बीबीटी की जर्सी आपने पहनी हुई है, एक बार घूम जाएंगे। तो आदित्य सर है, अब इनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको आज का रिवील प्रोग्राम बीबीटी का? भाई सुपर से ऊपर लगा है, राइडिंग ग्रुप काफ़ी सारे हैं, पर जो अपनापन बीबीटी में है ना और कहीं नहीं मिलता है। ये तो है, तो बस चल रहे हैं, कभी कोई परेशानी होती है इंक्वायर बादल भाई को किसी को भी परेशान करते थे, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। और यहाँ का आपको कर्नाटक भवन जो पहुँचे, यहाँ की लोकेशन और यहाँ का फूड कैसा लगा? भाई मैं बहुत रेगुलरली यहाँ पर आता रहता हूँ जैसे दो तीन महीने में, बट आज इनकी चाय उम्मीद से अच्छी है। यूजुअली इनकी कॉफ़ी बड़ी अच्छी होती है, बट चाय आज इनकी बड़ी अच्छी है। तो पाजी आपने बीबीटी टी शर्ट पहनी हुई है, एक बार उड़ता बंगा द मोस्ट फेमस पर्सन इन द ग्रुप बीबीटी फैमिली, तो सर कैसा लगा आज का प्रोग्राम बीबीटी जर्सी के बारे में बताइए कुछ? बढ़िया है, जर्सी बढ़िया है, एक्सपेक्टेशन जैसे की थी उससे ज़्यादा बढ़कर मिला है। ओके ब्लाइंड फेथ किया है पाजी पे, तो अपने फेथ पे खड़े उतरे हैं। ग्रुप भी अच्छा है, ग्रुप सभी अच्छे हैं, बट ये कि जहाँ प्यार मिलता रहे वहाँ प्यार बांटते चलो, सीधी सी बात है, ग्रुप सभी ठीक है। और ये लोकेशन थी जो आज कर्नाटक भवन की, इसके बारे में बताइए यहाँ का फूड कैसा लगा? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, बढ़िया फूड है और बेसिकली साउथ इंडियन में खाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ का टेस्ट करो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं कर्नाटक में बैठा हूँ। बहुत ठीक, थैंक यू।
तो पाजी एक बार घूम के अपना नाम तो दिखाइए, राइडर रिक्की। तो पाजी से हम हैं सुमित नागपाल, ये हमारा नाम है राइडर रिक्की। तो बीबीटी जुड़ के कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं तो बताइए ना। अच्छा, इंट्रोडक्शन देना जी, बताइए सर। तो बीबीटी जुड़ के कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आपको दिया तो था मैंने पहले इंट्रोडक्शन, अब दोबारा देता हूँ। ओके, तो माइकल पाजी से पूछते हैं। तो पाजी आज आप राइड पे आए, तो कैसा लगा आपको बीबीटी का जो इवेंट था आज? बहुत बढ़िया लगा यार, तो मैं मिलाना चाहूँगा। हमारे पाजी है माइकल सिंह ब्लॉग से, इनका यूट्यूब चैनल है, और मैं आपका अपना ओसम पुलिस। तो देखिए ध्यान से, हम मिले थे हेमकुंड साहिब की राइड पे, बिल्कुल, और ऐसी राइड पे मिलते रहेंगे दोबारा से, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सर आज का इवेंट कैसा लगा आपको? अच्छा था, बहुत अच्छा। और टी शर्ट के बारे में कुछ बताएंगे? अच्छी है, अच्छी है। आप पे जच रही है, ये स्मार्ट गाय यार, लुक एट इट। और कर्नाटक भवन जब पहुंचे तो इसके फूड के बारे में किस तरह का? बहुत अच्छा फूड था, कॉफी अच्छी लगी। विजिट अगेन, वाओ। कि हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, सारे बाहर खड़े हैं भाई साहब। कल आज का इवेंट कैसा लगा आपको? हां जी सर, कुछ बीबीटी के बारे में बताइए सर। आपका बीबीटी है ना, अपना ग्रुप आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ, स्थापित किया हुआ? मैं है ना बगैर फोन के बताऊंगा तेरे को। पूजा मैम से पूछते हैं। पूजा मैम आज का इवेंट कैसा लगा आपको? अमेजिंग अमेजिंग, ये तो टी शर्ट की लालच थी जो हम यहाँ आ गए, लेकिन बड़ा मज़ा आया। और बहुत लोगों से मिले। और ये जो कर्नाटक भवन है यहाँ के, इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा फूड है यहाँ का, क्या? कर्नाटक भवन का खाना और भी अच्छा हो सकता था। अच्छा, जैसे कर्नाटक का, बिकॉज मैं तो कर्नाटक का रह के आई हूँ, तो मुझे पता है उसका टेस्ट क्या है, मिसिंग है थोड़ा सा। तो मैम खाना कैसा लगा? नहीं, बीबीटी के इवेंट के बारे में आज आपको कैसा लगा? आपने टी शर्ट नहीं पहनी ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बार है जब हम राइड में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वाओ, एग्जैक्टली, इट वाज रियली ऑसम, अमेजिंग। तो आज का इवेंट कैसा रहा मैम? ऑसम 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 तो मैं हुई। हमें पता चला है कि अब हम खुले हम यूपी में जाके पकड़ ले सकते हैं। और तुम्हारे पास बहुत सारे फोन कॉल आने वाले हैं, नंबर चेंज मत कर लेना। एक बार फ्रॉड कॉल आया था, मैंने इसको फोन किया था। नहीं, हमारी बात होती रहती है, ऐसा नहीं है। कोई भी इशू हो, कोई भी समस्या हो, हम तुम्हें पार्टी के लिए बुलाएंगे। भाई आ जाओ, मैं खा पी रहे, आ जाओ सबके। कैसा लगा जाके बीबीटी की राइड पे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सबसे मिला जुला और बातें बातें की। बाइक्स अच्छी लगती है? हाँ। तो राइडर बनोगे? हाँ बनूंगा, बड़े होके। वाह वाह, बस हाइट बड़ी हो जाए फिर घूमूंगा पापा के साथ राइडिंग। तो पाजी आज का इवेंट कैसा रहा बीबीटी का जो था सरप्राइज? बीबीटी का इवेंट हमेशा बढ़िया रहता है, और बढ़िया ही करेंगे, बढ़िया ही रहता रहेगा। बहुत बढ़िया सर। और डिजाइन करी है ये, स्पेशली डिजाइन करी है मटियोर बाबा ने, और बड़ा गजब है, कलर मैचिंग भी और स्टाइल भी। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और आज हम कर्नाटक भवन आए थे, तो यहाँ का फूड और यहाँ की लोकेशन के बारे में? भवन का फूड साउथ इंडियन फूड ऑलवेज बेस्ट, सबसे बड़ी बात है ये पाचन शक्ति इसमें बहुत सही है, बहुत सही तरीके से पच जाता है, लाइट वेरी गुड। आज मॉर्निंग में जो गेट टुगेदर हो ना, सबसे मिलने का मौका, वो सबसे बढ़िया रहा, मज़ा आ गया सबसे। तो पाजी आज का इवेंट कैसा लगा आपको? बहुत नाइस, कर्नाटक भवन में खाया हमने, बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा है, लोकेशन बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लोकेशन है। साउथ कौन सा ये? आई थिंक कर्नाटक भवन साउथ ही है, साउथ एक्सटेंशन पता नहीं कुछ ऐसा ही है, देखना। हम तो वेस्ट दिल्ली से आए हैं एक्चुअली। साउथ एक्स। और इसका कर्नाटक भवन का फूड कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे को मिल नहीं रहा था। लाइट तो पूरी है, लाइट चेंज भी हो सकती है, बहुत ही कम तो बहुत छोटी सी लग रही है। अभी हम चल रहे हैं सब अपने अपने घर को,
इवेंट खत्म हो गया है और गौरव पाजी से मिलते हैं। तो मटेरियल बाबा, आज का इवेंट कैसा लगा, कैसे मेहनत सफल हुई? इवेंट की प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से हो रही थी, करीब 2-3 हफ्ते तो लगे रहे थे हम। वेन्यू डिसाइड करेंगे, मेन्यू डिसाइड करेंगे, फिर हम सारे गैदरिंग की वेट कर रहे थे कि अच्छे नंबर से ही हैं। आज मेरे ख्याल से हम 40 से ऊपर हैं और मौसम भी अच्छा है। टोटल आज का बिल्कुल वर्थ निकला है दिन। गुड टू सी ऑल राइडर फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स मिले हैं, नए फ्रेंड्स मिले हैं, पुराने फ्रेंड्स भी मिले हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हैं और आज तो एक नई गाड़ी चलाने को देख ली है। कैसा है फीडबैक वाली? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। 12 लाख रुपये खर्चने से अच्छा 2 लाख उड़ाने में मज़ा आया। 12 लाख खर्चने से अच्छा 2 लाख। अरे कितने की उड़ाई, कितने में उड़ाई? नहीं मैंने नहीं उड़ाई। 60 पे चलाई पाजी, मेहनत रंग लाई, बिल्कुल पसीने पसीने हो लगे हमारे पैरी पाजी। मेहनत आप लोगों की है, मेरी कुछ नहीं है। आपने इतना योगदान दिया, बाजी ने दिया, भाई ने हमारे पैकिंग में दिया, भाइयों ने हमारे साथ जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अपना टाइम डिवोट किया है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे मेन चीज़ ये है जो टाइम की दिया है बाजी ने। भाई सारी फोटो पीपीटी पे।